हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल जागृति इंग्लिश एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब एंड इट्स पार्ट्स। व्हाट इज वर्ब? वर्ब, अ वर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ड विच इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट, और वी कैन से एन एक्शन वर्ब are called verb. For the example, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, it's all called verb. जो भी हम क्रिया करते हैं, हमारी क्रिया करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम verb कहते हैं. For the other examples, he is playing with the ball. यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है. Second one, Priya is dancing in the किचन. यहाँ पे किस चीज़ का काम हो रहा है? डांस करने का काम हो रहा है. रागनी इज राइटिंग अ लेटर. किस प्रकार का काम हो रहा है यहाँ पे? लिखने का काम हो रहा है. ही वॉज आस्किंग फॉर द बुक्स. वो किस चीज़ के लिए पूछ रहा है? यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? पूछने का काम हो रहा है. मूविंग अहेड, वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ वर्ब. Verb is classified into three kinds: being verb, doing verb, and having verb. Being verb is also known as existence verb. It denotes the existence done by the subject of a sentence. For the example, is, are, am, was, were. If I am taking the example in a sentence, it would be like that: I am a student. It is also known as action verb. It denotes the action done by the subject of a sentence. Examples: eat, do, work, play, study, dance, sing, and etc. If I am taking the example in a sentence, farmer works very hard. Farmers जो हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन जो है मेहनत करते हैं. Having verb is also known as position verb. Examples: has, have, had, having, etc. It denotes the belongingness or the position of the subject in a sentence. As, I have a pen. So here, pen belongs to I. Have denotes that. Verb can also be classified as transitive verb and intransitive verb. Transitive verb is a verb that requires an object to receive the action. Transitive verb वो verb होता है जिसको एक object की ज़रूरत पड़ती है ताकि subject जो है वो अपना action जो है वो कर सके. For the example, she loves animal. वो किससे प्यार करती है? एनिमल से. तो यहाँ पे जो एनिमल है वो एक ऑब्जेक्ट है. इनट्रांजिटिव वर्ब. एन इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, द बेबी वाज क्राइंग. बच्चा रो रहा है. बच्चे को रोने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब को किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने एक्शंस को कंप्लीट करने के लिए. द डोर ओपन्स. दरवाजा खुलता है. द सन साइन. सूर्य चमक रहा है. सूर्य को चमकने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.